ये फुल कोर्स पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स के एमसीक्यू है, ठीक है। फर्स्ट वन है आपके पास कि टू चार्जेस टू क्यू एंड माइनस क्यू अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स एफ। व्हेन अ थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस क्या होगा? कूलम लॉ आपने पढ़ा है, ठीक। कूलम लॉ क्या कहता है? अनइफेक्टेड चार्ज रेशियो का फोर्स 1:1 होगा वहीं, ठीक है। फिर आपके पास है कि टू बॉल ऑफ मासेस एम एंड स्पीड वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन दियर मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम पी होता है फर्स्ट बॉडी का, अपोजिट में कह रहा है तो वो माइनस पी हो जाएगा, तो मोमेंटम तो हो जाएगा जीरो। अब जीरो कहीं भी नहीं है, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ डी वाला ऑप्शन बचता है। फिर काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 mv² और वेलोसिटी तो अपोजिट में ऐड होती है ना, तो 1/2 mv² अपोजिट में काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है? ऐड होती है, तो ये फिर हाफ हाफ एक बन जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लस फोर क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज इज जीरो एट पॉइंट पी इफ आर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फोर क्यू एंड प्लस क्यू एंड एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड व्हाट इज एक्स व्हेन आर इज 100 cm। देखो ये सेम चार्जेज, एक आपके पास फोर क्यू है, एक आपके पास क्यू है, और दोनों सेम चार्जेज हैं, ठीक है। जब सेम चार्जेज होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान कहीं ना कहीं जीरो होगा। अब किसके नज़दीक जीरो होगा? जो स्मॉलर चार्ज होता है उसके नज़दीक जीरो होगा, ठीक है। अब इसने के आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फोर क्यू एंड प्लस क्यू, आर जो है ना वो फोर क्यू के दरमियान डिस्टेंस, इसका मतलब है आर आपके पास लार्जर डिस्टेंस होगा क्योंकि फोर क्यू से तो ये दूर होगा, ठीक है। तो इसने एंड एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड फोर क्यू, व्हाट इज एक्स व्हेन आर इज 100 cm। एक्स आपके पास क्या है? जब आर आपके पास 100 cm हो, तो ये फील्ड फ्री रीजन पूछ रहे, ठीक है। चार्ज इज जीरो एट पॉइंट पी, इफ आर इज डिस्टेंस, ठीक है, एक्स इज डिस्टेंस, व्हाट इज एक्स व्हेन आर इज, सो एक्स आपके पास क्या होगा? तो अभी हमने कहा कि जो फील्ड फ्री रीजन होते हैं ना, वो स्मॉलर चार्ज के आपके पास नज़दीक होता है, ठीक है। स्मॉलर चार्ज आपके पास क्यों है, तो फोर क्यों से ये दूर होगा और ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, स्मॉलर के नज़दीक होगा। तो इसमें ये ज़्यादा आंसर कौन सा है? 66.3। बाकी आप उससे कर सकते हो, फोर क्यों है ना, फोर क्यों बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यों बाई आर माइनस एक्स, क्योंकि आर ओवरऑल डिस्टेंस है आर माइनस एक्स का स्क्वेयर, ठीक है। तो फोर इधर आर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा आर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, आर माइनस एक्स उधर मैं लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर भी इस पर भी मौजूद है, इस पर भी मौजूद है, उसका फोर चार्ज नीचे आ जाएगा, तो 1/4। अब स्क्वेयर रूट डालो, तो आर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अब 2 इस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा 2r माइनस 2x, उस तरफ चला जाएगा x माइनस 2x उस तरफ, तो r आपके पास क्या हो जाएगा? 3x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और x मुझे चाहिए ना x, तो x हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 से आपके पास कौन सा आंसर आता है? 2/3 से आपके पास आता है 66.3 के पास सेंटीमीटर के आसपास आपके पास आंसर आता है, ठीक है। 126 से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 कूलम चार्जेस एट पॉइंट एट अ पॉइंट डिस्टेंस की पावर 3 न्यूटन प्रो, इफ 10 μC चार्ज इज लाइंग एट दिस पॉइंट देन फोर्स ऑन चार्ज 10 μC चार्ज इज, फोर्स आपके पास क्या है? फोर्स है आपके पास क्यू नॉट ई, ठीक है। क्यू आपके पास कितना है? 10 μC, और ई आपके पास क्या है? 10³, इससे आपके पास 10⁻³ बच जाएगा, तो ये बी ऑप्शन आपके पास इसमें आता है, ठीक। वन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज मेड 2 टाइम देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज विल बिकम, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे तो डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो रिमेन सेम। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज हैज बिकम 2 टाइम ऑफ एक्चुअल वैल्यू, दिस इज बिकॉज इफ टेम्परेचर हैज बिकम 2 टाइम, यस इस वजह से हो सकता है, इट्स एरिया हैज बिकम हाफ, एरिया के साथ इनवर्स है ना, एरिया को अगर मैं हाफ करूँ ए बाई टू टू पर, तो इससे भी डबल हो सकता है, लेंथ के साथ डायरेक्ट इससे भी डबल हो सकता है, तो ऑल आर पॉसिबल। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ए इज बिकम 1/4, दिस इज बिकॉज करंट क्या हुआ 1/4 टाइम हो गया, ठीक है। इट्स लेंथ हैज़ बीन हाफ, लेंथ के हाफ से रेजिस्टेंस हाफ होता है, तो करंट आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ होगा ना, वी इज इक्वल टू आई आर है ना, रेजिस्टेंस तो सच करंट पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, रेजिस्टेंस तो लेंथ वगैरह पे डिपेंड करता है। इट्स लेंथ हैज़ बिकम डबल, ये छोड़ो रेजिस्टेंस के साथ, इट हैज़ बीन स्ट्रेच ऑफ ट्वाइस द लेंथ, अच्छा रेजिस्टेंस के साथ भी इसका रिलेशन लो, ठीक है, उसने 1/4 कहा है
तो 1 बटा 4 तो फिर भी नहीं होता, हाफ, ठीक है, 1 बटा 2 होगा अगर स्ट्रेचिंग के केस में, फिर स्क्वायर आता है, ठीक है, इट लेंथ हैज बीन स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ पे स्क्वायर है तो रेजिस्टेंस आपके पास 4 टाइम हो जाएगा, रेजिस्टेंस 4 से करंट क्या हो जाएगा, आई बाई 4, ठीक है, तो ये आपके पास सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपके पास है कि 130 है ना आपके पास, इसमें कह रहा है कि 2 एम्पीयर करंट, रेजिस्टेंस 1 है 1 एम्पीयर, या रेजिस्टेंस ऑफ आर 1 इज सम, देन रेजिस्टेंस ऑफ आर 2 एंड आर 3 इज रिस्पेक्टिवली, वो आपके पास फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस 1 सम है, उधर से 1 1 पास कर रहा है करंट हाफ, तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, करंट कम कम जा रहा है ना, तो रेजिस्टेंस तो हमने सेम रखना है, टू इक्वल पार्ट्स, रेजिस्टेंस इज हाफ ऑफ एक्चुअल वैल्यू इन ईच टर्म, तो ठीक है, वो भी फिर 50-50 होगा, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 131 है, इन अ फिगर 2 बल्ब आर शोन, व्हाट इज द टोटल पावर कंज्यूम बाय बल्ब, तो बैटरी के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, पी वन मल्टीप्लाई पी टू डिवाइड बाई पी वन प्लस पी टू, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 12 प्लस 12 24, 12 एकम 12 12 दोनों 24, 2 एकम 2 2 6, तो 6 आंसर आपके पास, सी आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और 132 में हम आते हैं, उसमें कह रहा है हमसे कि इन अ बिल्डिंग देयर आर 5 बल्ब ऑफ 20 वाट, 2 ऑफ 100 वाट, 1 वाटर पंप ऑफ 1000 वाट, वर्किंग टाइम बल्ब फैन इज 6 आवर, वाटर पंप इज 1 आवर, इन 30 डेज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज, अच्छा टोटल पावर पहले देखो ना, टोटल पावर कंज्यूम बाय फैन बल्ब्स, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 20 सौ ये हैं, ठीक है, और 5 बल्ब ऑफ 20 वाट, 2 फैन है, चलो 2 फैन ऑफ 100 वाट, तो एक फैन 100 है तो 2 क्या हो जाएगा, 200 आपके पास हो जाएगा, ठीक है, 300 वाट आपके पास ये पावर होगी, 300 किलो वाट आपके पास हो जाएगा, ठीक है, 300 वाट। नाउ आपके पास क्या है, एनर्जी किलो वाट में अगर मुझे ढूंढना है ना, तो 1000 पे डिवाइड करना है, और किलो वाट हार, हार कितना दे रहा है आपके पास, 6 दे रहा है ना, वो 1000 वाट है, तो 300 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 6 हार, तो ये 0.3 मल्टीप्लाई 6 आपके पास हो जाएगा 1.8 किलो वाट हार, ठीक है, मतलब एनर्जी आपके पास कितना है, 1.8 किलो वाट हार, ठीक है, पावर इंटू टाइम एनर्जी ही होता है, और उतने वो वाटर पंप का कितना दे रहा था, 1 किलो वाट हार, ठीक है, वर्किंग टाइम बल्ब से वाटर पंप इज 1 हार, 1 किलो वाट हार होगा, 1 हार ये नहीं है, ठीक है, 1 ये आ गया और 1.8 आ ये आ गया, तो मेरे पास 2.8 बन रहा है, तो महीने में कितना होता है, 30 मल्टीप्लाई 2.8 करो तो 84 के आसपास आपके पास आंसर आता है, ठीक है। फिर अ वायर इज बेंड इनटू अ सर्कल एंड बैटरी इज कनेक्टेड विद इट इन सच अ वे दैट द करंट फ्लो थ्रू द अलोंग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देन दिस वायर, तो वायर के साथ आपके पास क्या होगा, तो देखो ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप कर सकते हो, ठीक है, वो आपको क्या कह रहा है, वायर इज बेंट इन टू अ सर्कल एंड बैटरी इज कनेक्टेड विद इट इन सच अ वे दैट द करंट फ्लो थ्रू इट अलोंग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या ले, हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज स्टार क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये फिर सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। 134 आपके पास कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फील्ड इज 0.5 टेस्ला पास थ्रू अ सरफेस एरिया 100 cm स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद सरफेस का 60 पे क्या होता है आपके पास, हाफ होता है ना, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स होता है बी और ए, बी आपके पास ये दे रहा है, एरिया आपके पास 100 है, ठीक है, सेंटी भी दे रहा है, उसको भी खोल लो, बी ए जो आंसर आ जाए उसको फिर हाफ भी कर दो, ठीक है, और एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज, ये अनलाइक पैरेलल होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है, दे मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज इन सच अ वे that the field of charged particle is always opposite to the applied magnetic field. 36 से आपके पास proton and helium nucleus are revolving in a uniform magnetic field in same circle, then both must have, तो क्या same होना चाहिए, if radius अगर same है ना इनका in a same circle, तो इनकी kinetic energy फिर same होती है, ये आप लोग याद कर, ठीक है, बाकी इनका
डिराइवेशन है लंबी, ठीक है, तो उससे आपका रेडियस के फार्मूले अपन होंगे पढ़े होंगे, इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इनमें फिर काइनेटिक एनर्जी की रेशियो सेम आती है जब इनका रेडियस सेम हो। 137 है कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड सेंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड इट इज डिफ्लेक्टेड टू ईस्ट, देन दिस पार्टिकल इज, ये पार्टिकल आपके पास क्या हो सकता है। तो देखो ना, अगर मैं पाम्स रूल से करूँ ना, वो क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या है, साउथ से नॉर्थ है, ठीक है। और तो अगर पाम आपका आएगा लेफ्ट की तरफ आता है, ठीक है, बट वो कह रहा है नहीं, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ, तो इसका मतलब है लेफ्ट, राइट तो प्रोटॉन के लिए होता है, अगर ये लेफ्ट जा रहा है तो ये फिर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास फिर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, इसने ये कहा है ना कि अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड इंटर इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है, इंटर इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो आपके पास नॉर्थ से साउथ है, ठीक है। तो हाँ, आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो इस साइड पे घूमेगा, ये वेस्ट की तरफ, लेकिन इसने कहा ना ईस्ट, तो इसका मतलब है ये फिर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिर आपके पास है कि फिर आपके पास है ना कि टू इलेक्ट्रॉन बीम्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन दीज टेंडेंसी टू गेट, ये क्या होंगे, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, रिपेल करते हैं ना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को। फिर आपके पास है कि व्हेन अ करंट फ्लो इन वायर फ्रॉम ए टू बी, दिस इज इंक्रीज, देन इंड्यूस करंट इन नियर द रिंग हैज शोन इन द फिगर लाइंग इन सेम प्लेस, कौन से डायरेक्शन में आपके पास होगा। तो देखो ना, अगर इंक्रीज इन करंट है ना, तो लेंज लॉ क्या कहता है, वो कास को अपोजिट करता है, ठीक है। तो आपके पास ये फिर क्या होगा, इधर अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो उस तरफ आपके पास डॉट वाले आएंगे, ठीक है, इस तरफ क्रॉस, तो क्लॉकवाइज आपके पास करेक्ट है, ठीक है। अगर आप ये पाम लेफ्ट हैंड, पाम राइट हैंड रूल से करें ना, जिस तरफ आपके पास जा रहा है तो आपके पास जो डायरेक्शन आएगा ना, ये क्लॉकवाइज की तरफ आपके पास आता है, ठीक है। इधर तो मैं अब आप हैंड से नहीं दिखा सकते, इधर फिगर शो टू कॉपर रिंग, इफ करंट इन आउट रिंग इज डिक्रीज, व्हाट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज इन इनर रिंग। 140 है ना, तो 140 में क्या कह रहा है कि फिगर शो टू कॉपर रिंग, ठीक है, इफ करंट इन आउटर रिंग इज डिक्रीज, अच्छा इंक्रीज में क्या था, क्लॉकवाइज से डिक्रीज की बात कर रहा है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अभी हमने ऊपर किया ना, इंक्रीज में क्लॉकवाइज है तो डिक्रीज में आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम ऑफ बामर सीरीज टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम ऑफ पास्टन सीरीज आपके पास, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास बामर के लिए क्या है, 1/2 है ना, 2/4, रेशियो पास्टन के लिए 1/3 का स्क्वायर 9, तो 9 उस तरफ 4 इस तरफ 9:4। आफ्टर 3 हाफ लाइफ एक्टिविटी ऑफ सैंपल इज रिड्यूस टू 12.5 बैक, व्हाट वाज द इनिशियल एक्टिविटी। तो अगर 12.5 है 3 हाफ लाइफ की, पहले हाफ लाइफ में ये डबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये हम बैकवर्ड ले रहे हैं, ठीक है, तो 24 आएगा तकरीबन या 25 आएगा, 25 के बाद 50, 50 के बाद 100, तो इसका मतलब है पहले 100 था ये, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 43 में आपसे कह रहा है कि अ कॉइल इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है शोन, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल विल बी, अगर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से करो, ठीक है, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें आएगा, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इन अबाउट क्वेश्चन, इफ कॉइल ऑफ एन एरिया ऑफ 1 square meter एंड रोटेट एट रेट ऑफ 10 radian per second इन 0.5 weber मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, देन मैक्सिमम EMF विल बी, मैक्सिमम EMF किसके बराबर है, नवाब, नवाब तो ये तो 1 ton है ना, तो WAB हो जाएगा, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी 10 है, ये आपके पास क्या है, एरिया हाफ वन, एरिया वन है, चलो, और बी हाफ है, तो 1/25 आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज कन्वर्ट 220 वोल्ट टू 110 वोल्ट, इफ द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 100%, देन करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज कन्वर्टेड इन टू,
तो वोल्टेज क्या दे रहा है आपके पास 220 to 110, ठीक है, और करंट इसके इनवर्स होते हैं ना, वो आपके पास आई एस मालूम करना है। आई पी क्या है, 2 एम्पियर है, 200 गया, 11 2 22, उस तरफ चला जाएगा 224 एम्पियर आपके पास आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती ही नहीं है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास वहीं रहेगी 4 और 50, चाहे आइडियल हो, ठीक है। A wire of length L and resistance R is converted into two circular loop and has shown in the figure the final resistance across the diameter of the loop किसके बराबर होगा? तो resistance along the diameter आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो ना, अगर एक लूप होगा उसका डायमीटर हमारे पास होता है R बटा 4, सॉरी ये रेजिस्टेंस, दूसरा लूप का भी R बटा 4, सिंपल आप ऐड करोगे, ठीक है। ये आप, ये क्वेश्चन बहुत आता है सिंगल लूप के लिए, बहुत आता है कि अगर एक स्ट्रेट वायर उसको हम सर्कल में कन्वर्ट कर ले तो रेजिस्टेंस उसका R बाई 4 हो जाता है, ठीक है। लेंथ भी हाफ, एरिया लेंथ भी डबल, सॉरी लेंथ भी हाफ, एरिया भी हाफ, ठीक है। तो इसे फिर R बाई लेंथ हाफ हो गया ना, एरिया फिर डबल हो गया, ठीक है, एरिया डबल है क्योंकि देखो ना सर्कल में हम बना रहे हैं, तो एल बाई 4 फिर आते हैं। चार्ज पार्टिकल क्यों इंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टू साउथ इफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज टू वेस्ट देन फोर्स इनिशियली डायरेक्टेड टू। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करो या राइट पाम हैंड रूल से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आप खुद डायरेक्शन से मालूम करो, आपके पास सीधा आ जाएगा वेलोसिटी किस तरह, वो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज टुवर्ड वेस्ट, और वो आपके पास क्या है, डाउनवर्ड है ना। अगर मैं इसको पाम से करूँ ना, ये डाउनवर्ड है, वो वेस्ट है आपके पास। तो मेरे पास आ रहा है चार्ज पार्टिकल क्यू इंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टू साउथ, वो साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यस मेरे पास क्या आ रहा है, साउथ नीचे है, ठीक है, वो तो मेरे पास अपवर्ड आपके पास इसमें आ रहा है। और अ फोटॉन इज ट्रेवलिंग विद एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट्स वेव लेंथ किस चीज़ के बराबर होगा? वेव लेंथ बराबर होता है एच सी बाई, ठीक है, इनर्जी भी दी हुई, एच की वैल्यू भी आपको पता है, सी भी आपको पता है, सिंपल इसमें फुट करना है। स्पीड ऑफ वेव ऑफ वेव लेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम इज इक्वल टू, वैक्यूम की बात कर रहा है, ठीक है, और वैक्यूम में 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन मौजूद है ना। और 150 आपको दे रहा है, विच पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल में नहीं आता? तो प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, बाकी ये इलेक्ट्रॉन तो है, क्वार्क और लेप्टॉन भी आते हैं। 51 है कि एक्टिविटी ऑफ सैंपल हैज बिकम 6.25% इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाज 64 ग्राम द अमाउंट विच लेफ्ट अनडिके। तो देखो ना, पहले पर 64 दे रहा है, ठीक है, 64 से हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 50, 32 से हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 25, 16 से हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 12, 8 से हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो देखो ना, 4 आपके पास बच रहा है और 6% के आसपास, तो 4 आंसर ही आपके पास करेक्ट है। फाइंड द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल हैविंग डिके कांस्टेंट लॉग नेचुरल 2/8 डे पर सेकंड, इनिशियल अमाउंट वाज 8 × 10^2 एटम, लॉग नेचुरल 2/8, लॉग नेचुरल 2 जो है ना 0.693 के ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, और ऊपर अगर मैं 8 × 88 कट जाएगा तो 0.693 × 10^23, और इससे आपके पास जो आंसर बनता है ना, ये वाला बनता है, ठीक है। फिर आपके पास ये रेडियो एक्टिविटी सैंपल डिके फ्रॉम 5 kg to 2.5 kg इन 8 डेज, देन सैंपल डिके फ्रॉम 5 mg to 2.5 mg। अच्छा, तो 5 kg से 2.5 kg में 8 डेज हुए, तो 5 mg से 2.5 mg में कितने डेज इस पे लगेंगे? देखो ना, उधर किलो था तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, डेज, ठीक है, ग्राम होता तो हम हार यूज़ करते, वो मिलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो हम फिर सेकंड यूज़ करेंगे, दैट्स वाई बी ऑप्शन आपके पास, सॉरी 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 हम गलत, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता। देखो ना, चाहे 5 किलोग्राम 2.5 में आएगा, हाफ हुआ है, तो इसकी हाफ लाइफ है, कितने डेज है, 8 डेज। अब चाहे वो मुझे कहे कि 2 डी ग्राम था, वो 1 में है, ये भी हाफ लाइफ है, तो वो फिर वही 8 डेज आपके पास रहेगा, ठीक है। फिर आपके पास है कि फॉर अ मेटल थ्रेश होल्ड वेव लेंथ इज 700 नैनोमीटर, विच आर द फॉलोइंग वेव लेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट अकर, किस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा?
तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होनी चाहिए, वेवलेंथ कम होना चाहिए, ठीक है 700 से, तो वेवलेंथ ये 750 है, इस पर फिर नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी तो तेरा शोर्ड फ्रीक्वेंसी है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू फोटॉन थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड ऑन, एनर्जी ऑफ फोटॉन किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी करता है, वेवलेंथ पे भी करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटॉन हैज़ लार्ज मोमेंटम, कौन से फोटॉन का मोमेंटम आपके पास क्या होगा, लार्ज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्ज मोमेंटम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एच एफ डिवाइड बाई सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो आर एम आई वी यू एक्स जी, तो आर एम आई वी यू एक्स जी, बाकी तो इंफ्रारेड का ये अल्ट्रा वायलेट आपके पास हो गया, ठीक है। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, तो अल्ट्रा वायलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि इनकी एनर्जी भी ज़्यादा है, ठीक है। अ फोर्स, और फिर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग करंट I1 एंड I2 इज मेजर ऑफ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व इन कोलिजन इफ टू बॉडी ऑफ मास इज रेशियो 1:2, वन प्रोजेक्टाइल अदर टारगेट, द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द प्रोजेक्टाइल मास विल बी। अच्छा, ये आपके पास एक फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, वो 4x डिवाइड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और x क्या होता है, रेशियो ऑफ मास होता है 1/2, ठीक है। तो 4 इंटू 1/2 हो जाएगा 2, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, और ये एलसीएम आ जाएगा नीचे 4, 4 1 और 4 प्लस 1 5/4, 25/16, 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 16 दोनों 32 और नीचे हो जाएगा 25, सही जा रहे हैं ना, या रॉन्ग तो नहीं हो गए, मेरे ख्याल में रॉन्ग हो गए। पहले एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि 1 पे भी तो स्क्वायर है ना, एलसीएम हमें लेना चाहिए, 1 प्लस 1/2, तो हो जाएगा ये 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा और नीचे 4, और ऊपर मेरे पास 2 बचे हुए, 4 उस तरह 4 दोनों 8, 8/9 आपके पास बच रहे हैं सिंपल, ठीक है। 159 है आपके पास कि चेंज इन मोमेंटम इज सेम हैज, वो आपके पास चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना इम्पल्स के बराबर होता है, ठीक है। और आपके पास ये एक डायग्राम दे रहा है कि ये डायग्राम तो सही नज़र भी नहीं आता, चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आफ्टर इलास्टिक कोलिजन ऑफ बॉल विद वॉल है शो इन द फिगर, चेंज इन मोमेंटम आपके पास किस चीज़ के बराबर होगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना वो डबल होता है अलोंग एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो क्योंकि आपने वो बॉल वाल के इसमें 2 टाइम ऑफ पी एक्स, ठीक है, बट वाई वाला 0 होता है, तो ये आप याद कर लें। 161 है आपके पास के A stone is lifted by a rope with speed 2 meter per second. If stone of mass 5 kg, then power आपके पास क्या होगा? Power आपके पास क्या है? mg h by t को मैं v लिख सकता हूँ ना, क्योंकि velocity इसने दी है, g भी आपको पता है, mass भी आपको पता है, simple इसके लिए formula put करना है। और 62 in order to increase the kinetic energy by 100%, then velocity must be made. Velocity को क्या होना चाहिए? Kinetic energy को double कर रहा है, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी को डबल कर रहे हो तो वेलोसिटी आपके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वी स्क्वायर पे, ठीक है। अगर वी में आप पुट करो अंडर रूट 2 टाइम ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कर जाएगा 2 टाइम, तो ये सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। बस एंड कार हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी देन मोमेंटम इज लार्ज फॉर, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाय मास। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, तो बस का मास ज्यादा है, ठीक है। 164 है, बॉल मास 0.1 केजी कोलाइड विद वॉल इलास्टिकली विद स्पीड विद एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल विल बी। अभी हमने पीछे कहा कि मोमेंटम का चेंज 2 टाइम हो जाता है, ठीक है। 5 × 0.1 0.5 हो जाएगा, ठीक है, और 0.5 × 2 टाइम ऑफ मोमेंटम, तो 1 हो जाएगा आपके पास, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अ गन ऑफ मास 5 kg इज फायर्ड इफ 10 ग्राम बुलेट मूव विद 100 मीटर पर सेकंड, देन रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन विल बी। मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन आपके पास, ठीक है। अब मास ऑफ बुलेट आपके पास क्या, एक आपको 5 kg दे रहा है और वी जी आपने मालूम करना है, ठीक है, और उधर क्या है 10 ग्राम बुलेट है, मतलब किलो में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3 भी पुट करो, वेलोसिटी उसकी क्या है, वेलोसिटी आपको वो 100 दे रहा है, वो भी इधर पुट करो, आपके पास वी जी आ जाएगी। अब बॉल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी कोलाइड विद द सेम बॉल एट रेस्ट, इफ बोथ बॉल स्टिक टुगेदर देन द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी इक्वल टू, कंबाइंड वेलोसिटी होते हैं m1v1 + m2v2 / m1 + m2, ठीक है।
अब वेलोसिटी सेम है ना और मास भी बराबर है और सेकंड वाली रुकी भी हुई है, तो ये तो गया। ठीक है, एम वन वी वन ऊपर हो जाएगा एम वी और नीचे हो जाएगा 2m, तो एम एम गया, वी बाई टू आपके पास बच जाएगा। 167 है, बम ऑफ मास m इज फॉलिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सप्लोड इन एयर इफ इट वन पीस इज मूव्ड अपवर्ड विद वेलोसिटी 2 मीटर एंड द वेलोसिटी ऑफ नेक्स्ट प्लेस नेक्स्ट पीस ऑफ सेम मास, उसकी वेलोसिटी आपके पास क्या होगी। तो इसकी इसने क्या किया, 2 मीटर पर सेकेंड है ना, कंबाइन वेलोसिटी एम वी है आपके पास, मास बाय 2 उसका वेलोसिटी प्राइम माइनस मास बाय 2 उसका वेलोसिटी क्या है 2 है, तो ये वेलोसिटी प्राइम मुझे मालूम करना है। टोटल क्या थी पहले 10 थी, ठीक है, एम बाय 2 इनटू वेलोसिटी प्राइम और ये 2 कट गए, माइनस एम आपके पास रह जाएगा, ठीक है, और 10m हो जाएगा और माइनस एम इस तरफ ले आया हूँ तो प्लस एम इक्वल टू एम बाई 2 इंटू वेलोसिटी प्राइम, ये हो जाएगा 11 और नीचे 2 पर आ जाएगा, एम एम कट जाएगा 11 दोनों 22, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट। 68 हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम वाटर टू थ्रू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, किम इज इक्वल टू एम सी डेल टी, सिंपल ये फार्मूला आपने इसमें पुट करना है, ठीक है, और वाटर के लिए सी 4200 पुट करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, आइस आपके पास 2110 है, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के लिए 2000 है आपके पास, इक्कीस सौ है ना हीट राइज, ठीक है, वो 4200 है वो भी लिख लो, ठीक है, हीट राइज टेम्प, इसको सिंपल सॉल्व करना है इस फार्मूले से, 4200 नहीं है सॉरी, इस फार्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो थी ना, एक मिनट, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस मैं आपको चेक करता हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ठीक है, ये 2110 आपके पास, ठीक है, जोल के जी में है ना, हाँ ठीक है, 2090 बनता है तो 2100 के आसपास करीब है, और 170 आपके पास किया, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर, ये भी मैं आपको चेक कर देता हूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर्स, तो ठीक है, ये 2000 के आसपास करीब है। 71 है आपके पास के मोलर स्पेसिफिक हीट इज लार्जर फॉर, ये 71 फिर नहीं है, ये ऊपर 70 था, 71 है, मोलर स्पेसिफिक हीट इज लार्जर फॉर, किसके लिए आपके पास लार्जर है, तो वाटर दिया हुआ, ये आपको रटा लगाना है, ठीक है, वैल्यू याद करनी है, अब ये तो मुझे भी नहीं याद, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये 75 के आसपास है, ठीक है, और अल्कोहल के लिए हम देख लेते हैं, अल्कोहल की ज़्यादा है, 110 है, ठीक है, तो आइस के लिए भी फिर अल्कोहल से कम होगी, ठीक है, आइस की वाटर से भी कम है, तो अल्कोहल के लिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 72 है आपके पास, अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद मोमेंटम 160 डिग्री पे विद ग्राउंड, देन इट्स मोमेंटम एट समिट पॉइंट, मोमेंटम कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, कॉस 60 पे क्या होता है हाफ, तो मोमेंटम इसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा 50, रेट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन रेशियो इट्स समिट हाइट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, रेट रेंज सॉरी होता है 4h कोटेंजेंट थीटा, ठीक है, वो कोटेंजेंट 30 दे रहा है, अभी आपको याद करना है, ठीक है, टेंजेंट होता है साइन बाई कास, कोटेंजेंट होता है कास बाई साइन, कास में 30 पुट करना है और इसे आपके पास जो वैल्यू आती है ना 4, तो पहले से मौजूद है अंडर रूट 3 आती है, ठीक है, 4√3 ये आपके पास करेक्ट है। और फिर आपके पास है अ प्रोजेक्टाइल हैज़ मैक्सिमम रेंज 1000 मीटर देन इट्स समिट हाइट विल बी, रेंज 4 टाइम ऑफ हाइट के बराबर होता है, तो रेंज अगर 1000 है तो हाइट हो जाएगा 250। 75 है कि स्ट्रिंग इज 10 मीटर लॉन्ग एंड स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इट इज 10 मीटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक बराबर होगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई 2L, वी 10 है 2 × 10, 10 गया तो 0.5 1/2 हर्ट्ज, इन अबव क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 लूप्स किसके बराबर होगी, 5 टाइम ऑफ F1 अगर ये 1/2 है तो 5 × 1/2 5/2 2.5 आपके पास हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म।